हेलो विवन वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने रेसिपी चैनल में और आप सब कैसे हैं उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज मैं एक सात्विक थाली लेकर आई हूं बहुत ही सिंपल जो 20 मिनट में तैयार हो जाती है तो फर्स्ट में मैं ले रही हूँ एक पपीता तो आप समझ गए होंगे मैं पपीते से बनाने जा रही हूँ एक रेसिपी तो इस रेसिपी का नाम है पपीते का हलवा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैंने पपीते को छील लिया है अब मैं उसको बॉयल करने जा रही हूँ आधा कप पानी में मीडियम फ्लेम पर मैंने कुकर में पपीते को डाल दिया है आधा कप पानी के साथ विसिल देनी है एक तो एक विसिल लग चुकी है अब कुकर को मैं हटा रही हूँ और दूसरी साइड रख रही हूँ अब रख रही हूँ मैं कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिया है मैंने एक चम्मच देसी घी तो लो फ्लेम कर दी है मैंने और लो फ्लेम पर अब मैंने नारियल और मतलब सूखा नारियल काजू और मखाने लिए हैं उन सबको मैं भून रही हूँ और लास्ट में मैंने डाले हैं थोड़ी सी किशमिश तो सभी चीज़ों को मैं लो फ्लेम पर भून लूँगी तब तक जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए इसलिए ये ड्राई फ्रूट्स अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं तो हमने जो पपीते को उबाला था उसको हमने निकाल लिया है और एक चलनी में निकाल लिया जिससे कि पानी अच्छे से नितर जाए वैसे भी जो पपीता होता है उसमें पानी होता है तो हमने उस को अच्छे से निकाल लिया था पानी को और हमने इस तरह से प्लेट में करके मैशर से मैश कर लिया है अब हमें क्या करना है जो हमने ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून के रखे हैं उनको ठंडा कर लिया है और हमें उनको मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेना है तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ एक खोया तो पतला सा मैं खोया बना रही हूँ मैंने लिया है एक कटोरी दूध एक कटोरी नहीं आधा कटोरी दूध है, है और आधा कप मैंने लिया है मिल्क पाउडर और साथ में लिया है आधे कप से आधा कप मीठा क्योंकि मुझे मीठा बाद में डालना है सभी चीज़ों को चला लेना है और लो फ्लेम रखनी है लो फ्लेम पर हमें धीरे धीरे इस तरह से बनाना है कि हमारा जो खोया है वो बनकर तैयार हो जाए जब खोया हमारा पतला सा खोया बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर हमें ये मैश हो पपीता डाल देना है और फिर हमें अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है तो मैंने यहाँ पर खोया बना कर के मैं शोया पपीता डाल रही हूँ उसके बाद अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हरी इलायची खुशबू के लिए और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने भून के पीस लिए थे अब मैं उनको मिक्स कर रही हूँ लास्ट में तो इस तरह से सभी चीज़ों को मिला लिया है अब मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा मीठा डाल रही हूँ क्योंकि जो पहले मीठा डाला था वो हल्का मीठा था तो यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा डाल दिया है आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा ही डालें और इस तरह से हमारा पपीते का हलवा बनकर तैयार हो गया है ये पाँच मिनट में बनकर तैयार हो जाता है अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ खीर तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ डेढ़ गिलास दूध और मेरे पास ये आधा कप चावल थे जिसको मैंने एक घंटा पहले भिगो के रख दिया था अब मैं इस कुकर में मीडियम फ्लेम पर एक बिसल दूंगी तो एक बिसल के बाद मैंने देखी है अपने कुकर को और कुकर का हमें ढक्कन तभी निकालना है जब गैस अच्छे से निकल जाए तो मैंने यहाँ पर भुने हुए मखाने डाले हैं और स्वाद के अनुसार मीठा और अच्छे से मिला दिया है तो इस तरह से हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है अभी हमें इसको ढक्कन बंद करके पाँच मिनट रेस्ट दे देना है और इधर मैं बनाने लगी हूँ सब्जी तो मैंने आयरन की कढ़ाई रखी है उसमें डाला है एक से डेढ़ चम्मच देसी घी हरी मिर्च हींग जीरा धनिया पाउडर हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर ये सभी मसाले डाल दिए हैं और उसके बाद मैंने डाल दी है ये कटी हुई गोभी गोभी को पहले आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा अच्छे से देख लीजिएगा तभी आप इसको डालना है और फिर हमें गोभी को मिक्स करने के बाद मसालों में उसके बाद हमें आलू डालने हैं और इस तरह से स्वाद के अनुसार नमक डाल करके हमें इसको चलाना है और ज़्यादा हमें इसको नहीं चलाना है फिर हमें ढक देना है लो फ्लेम पर इस तरह से जिससे कि हमारी जो सब्जी है वो पाँच मिनट में बनकर तैयार हो जाए तो मैंने सात मिनट के बाद देखा है तो हमारी सब्ज़ी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है अच्छे से भुन गई है और आयरन की कढ़ाई में जो बनाने से हमारी सब्जी का जो स्वाद होता है वो दुगना बढ़ जाता है तो इसलिए मैंने सब्जी को एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है अब मैं कढ़ाई को साफ करके फिर से इस कढ़ाई को रख रही हूँ और चढ़ा रही हूँ मस्टर्ड ऑयल और ऑयल में मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ तो इस तरह से हमारी सात्विक थाली बनकर तैयार हो गई है बीस मिनट में ये सात्विक थाली बनकर तैयार हो जाती है खाने में टेस्टी बनाने में आसान पूजा के लिए आप इस थाली को आइडिया ले सकते हैं बना सकते हैं झटपट से बनकर तैयार हो जाती है तो चलिए अब हम तैयार करने जा रहे हैं थाली तो थाली में मैं ले रही हूँ यहाँ पर तीन कटोरी तो तीनों कटोरी को मैं यूज़ करूँगी पहली कटोरी में मैं डाल रही हूँ खीर ऊपर से बाद बारीक कटे हुए बादाम और इसमें मैंने रखा है पपीते का हलवा और ये हमारी सूखी सब्जी गोभी की और दो पूड़ियाँ तो इस तरह से हमारी सात्विक थाली बनकर तैयार आप सभी को अगर थोड़ी सी भी मेरी रेसिपी या मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलती हुई एक न्यू रेसिपी के साथ रखिए अपना ढेर सारा ख्याल तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरी